स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल रोहित रघु एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपको बताने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं और बताएंगे आपको संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग संज्ञा को जान लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, फिर बाद में हम लोग जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों देखिए संज्ञा का परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे में क्या है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति में हो जाएगा राम प्राणी है, प्राणी, तो प्राणी में हो जाएगा आपका गाय, वस्तु है तो वस्तु में किताब, स्थान पटना। देखिए पटना स्थान का नाम है, तो स्थान में पटना हो जाएगा। भाव, तो भाव में खुशी, तो बच्चों देख सकते हैं किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में हम लिख दें व्यक्ति राम प्राणी गाय वस्तु किताब और स्थान का नाम पटना, भाव में खुशी। अब हम लोग संज्ञा के भेद को जानेंगे। बच्चों अब हम संज्ञा तो जान लिए, अब हम संज्ञा का भेद को जानेंगे। ठीक है, कि कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के पांच भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। तो पहला है व्यक्ति, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नंबर में है जाति वाचक संज्ञा। तीसरा है भाव वाचक संज्ञा। चौथा है समूह वाचक संज्ञा। और बच्चों पांचवा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा।
तो बच्चों हमारा संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के पांच भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।